हेलो स्टूडेंट, आपकी क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पीएच। पीएच को आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं वापस, ताकि थोड़ी आपकी रिवीजन हो जाए। तो पीएच का मतलब क्या बताया था? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है एच पॉजिटिव, मतलब किसी सॉल्यूशन में एच प्लस आयन की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। ये पीएच का जो कॉन्सेप्ट है, ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने 1909 में ये कॉन्सेप्ट हमें दिया। सोरेनसन इन 1909 सजेस्टेड अ सिंपल मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन टर्म ऑफ पीएच। मतलब वही बात, कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितनी हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल मेथड जो है सोरेनसन ने हमें बताया पीएच के फॉर्म में। डेफिनेशन क्या होती है पीएच की? डेफिनेशन ऑफ पीएच इज इट इज़ द नेगेटिव लॉग टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब ये जो फार्मूला है, इसके थ्रू भी आप इस डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हम निकालते हैं लॉग को मल्टीप्लाई करके, तो हमें मिलता है क्या? पीएच। पीएच को हम पीओएच, पीओएच का मतलब हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अब अगर हमें pH या POH को फाइंड करने के लिए कुछ भी हमें एक इक्वेशन मिल सकती है, या तो H प्लस मिल सकता है, कहा जाएगा POH फाइंड करो, pH मिल जाएगा कहा जाएगा POH फाइंड करो, या POH मिल जाएगा कहा जाएगा pH फाइंड करो, तो उसके लिए एक फार्मूला ये भी होता है pH प्लस POH इक्वल टू 14। इसके थ्रू भी हम pH की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले एक पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल बेसिकली होता है क्वांटिटी है 0 to 14 तक का एक स्केल है। इसमें 0 से up to 7 तक अगर पीएच हमारी आती है तो वो सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा एसिड। अगर हमारे पास पीएच की रेंज 7 तक आती है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारा होगा न्यूट्रल। अगर हमारे पास पीएच 7 के बाद 14 के दरमियान कहीं रेंज आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है? बेसिक, यानी बेस। अब पीएच की रेंज इस स्केल से हमें एसिड और बेस के बारे में भी पता चलता है, साथ में भी पता चलता है कि हमारा जो एसिड या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नॉर्मल है, तो उसको हम इससे स्टेबल से देख सकते हैं। अगर हमारी पीएच 0 से 3 तक आती है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हमारी पीएच 3 to 5 तक आती है, तो वो मॉडरेटली एसिडिक होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, ज़्यादा वीक भी नहीं। अगर हमारी ऐसे पीएच रेंज आती है 5 to 7 तक, तो वो वीकली एसिडिक होता है। इस तरह 7 to 10 अगर आती है, तो वो वीकली बेसिक होगा। 10 to 12 के दरमियान आती है, तो मॉडरेटली बेसिक होगा। 12 to 14 आती है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब 7 एग्जैक्टली आएगी तो वो तो न्यूट्रल होगा, लेकिन 7 के बाद अगर आए तो मतलब वो बेसिक की तरफ है। तो 7 के बाद अगर 10 तक कोई भी हमें पीएच रेंज मिलती है, तो वो वीकली बेसिक होता है। ओके, यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं किसी सॉल्यूशंस की। एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड पीएच होती है, वो पीएच ऑफ एचसीएल वो होती है 0-1, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन जो पीएच आती है इसकी, वो 0-1 है, मतलब 1 मोल सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो पीएच की, एचसीएल की जो पीएच आएगी वो आएगी 1। इस तरह अगर हम पीएच ऑफ एसिडिक एसिड की लें, तो वो आएगा 2.9, ऑलमोस्ट वीक थोड़ा सा होता है। पीएच ऑफ मिल्क 6.6, बहुत ही वीकली बेसिक होता है, एसिडिक होता है सॉरी। अगर पीएच एनएओएच की देखते हैं, 1 मोल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हमें मिलती है पीएच उसकी 13, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हमारे ह्यूमन ब्लड की पीएच हम बताएं, तो वो कितनी होती है? 7.3 से लेकर 7.4 तक, ज़्यादा बेसिक नहीं है,
स्लाइटली बेसिक होता है ब्लड। ओके अब ये है एक प्रॉब्लम पीएच की, आज हम करते हैं। व्हाट इज पीएच ऑफ 0.1 मोलर एचसीएल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें बताना है कि 0.1 मोलर एचसीएल हमारे पास है तो उसकी पीएच कितनी होगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो याद रखें 0.1 को अगर हम साइंटिफिक में लिखेंगे तो बनेगा 1 × 10⁻¹। ये है बराबर किसके, 0.1 के। ओके तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अब pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, ये फार्मूला है, इसके थ्रू हम pH फाइंड करेंगे 0.1 मोलर की। तो pH इक्वल टू माइनस log 1 × 10⁻¹, यानी H पॉजिटिव की m मोलर कंसनट्रेशन जो हमें बताइए वो 0.1 है। 0.1 को हम 1 × 10⁻¹ भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब पता है लॉग अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, लॉग इधर गया तो लॉग वन, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता है, प्लस माइनस वन जो है वो लॉग से पहले लिखेंगे हम माइनस वन, फिर लिखेंगे लॉग टेन की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमने लॉग वन की वैल्यू निकाली तो कितना आया, ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस, लॉग टेन की वैल्यू आती है वन, वन को वन से मल्टीप्लाई किया कितना होगा, वन वन ज़ा वन, तो ज़ीरो माइनस वन कितना होगा, माइनस वन ही रहेगा। तो माइनस वन माइनस बाहर भी था जो बाहर कंटिन्यू चला आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पीएच 1 हमारे पास आ रही है 0.1 मोलर एचसीएल की वैल्यू। तो ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। कैलकुलेट द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन हुज एच पॉजिटिव आयन इज 0.01 मोलर। अब 0.01 मोलर का मतलब क्या हो गया, 1 × 10⁻²। 1 से पहले दो जीरो हैं इसलिए माइनस टू इसके साथ लगेगा। सबसे पहले हम, हमें H पॉजिटिव दिया है, फाइंड क्या करना है pOH। तो सबसे पहले हम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की मदद से हम pH फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। जब pH हमें मिल जाएगी फिर उसके बाद हम pOH उसकी निकाल लेंगे। सबसे पहले pH निकालते हैं, फार्मूला लिखा हमने, pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी है, 1 × 10⁻², हमने यहाँ लिख दिया। अगेन लॉग अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन प्लस हो जाएगा, पावर जो है वो लॉग से हम पहले लिख लेते हैं तो माइनस टू पहले आ जाएगा, लॉग टेन। अब लॉग वन की वैल्यू होती है ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस, लॉग टेन की वैल्यू होती है वन, तो वन को टू से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू वन ज़ा टू। अब टू माइनस माइनस टू में से ज़ीरो गए तो बचेंगे माइनस टू, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये तो हमें मिल गया पीएच प्लस टू। अब हमने क्या करना है, पीएच नहीं हमें बल्कि पीओएच निकालना है। तो अब इस पीएच की मदद से पीओएच निकालें, तो दूसरा फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच हमें मिल गई है कितनी, 2, प्लस पीओएच इक्वल टू 14। अब ये प्लस का 2 इक्वल टू क्या होता जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2, तो 14 में से 2 गए तो बचे कितना है, 12। तो पीओएच हमारी कितनी आई है, 12। तो अब हमारे पास इससे क्या पता चलता है, अगर पीएच 2 आए या पीओएच 12 आए तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है आज का आपका एक रिवीजन टॉपिक। इस तरह आपको डेली एक दो टॉपिक रिवीजन के मिलते जाएंगे और आप इस तरह प्रैक्टिस अपनी करते जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।